परमेश्वर का वचन जो उसके मुख से निकलता है वो एक वास्तविकता बन जाता है। परमेश्वर के मुख से निकला हुआ हर वचन उसका ज्ञान है। परमेश्वर यूं ही नहीं कहता है, परमेश्वर ने जो भी कहा है अगर उसके प्रॉमिस के पहले यदि लिखा हुआ है तो उस यदि की भी कीमत है, परंतु लिखा हुआ है अगर तो उस परंतु की भी कीमत है। परमेश्वर के मुख से निकला हुआ हर वचन हमारे लिए अनमोल है, एक ऐसा खजाना है जिसे हमें समझना है और उसको अंदर लेना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के प्रोमिसेस में चेतावनी होती है, हम इसको भूल जाते हैं। परमेश्वर के वायदों में चेतावनी होती है, हम वायदों को लेते हैं, हम परमेश्वर के वायदों को बहुत अच्छी तरीके से, परमेश्वर मेरे साथ रहेगा, वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, हम जो मांगेंगे वो देगा, यीशु मसीह के नाम से मैं जो पिता से मांगूंगी वो मुझे मिल जाएगा, हालेलुया। हम सारे प्रोमिसेस को बहुत अच्छी तरीके से अपने जीवन में लेते हैं, हालेलुया। लेकिन मेरी बहन, हम उस प्रोमिसेस में जो चेतावनियां हैं उनको समझते नहीं है, इसलिए वो चेतावनियां जो हैं, वो प्रॉमिसेस हैं, वो पूरी तरीके से हमारे जीवन में काम नहीं करते। बड़े से बड़े परमेश्वर के नबी हुए, बड़े से बड़े राजा हुए हैं जिन्होंने परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन को पूरी तरीके से नहीं समझा और उन्होंने परमेश्वर को खो दिया। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि परमेश्वर के जो वादा है वो कितना अहमियत है, परमेश्वर का जो प्रॉमिस है वो कितना महान है, कितना अद्भुत है, उसमें कितना सामर्थ है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वो जो सामर्थ जो उसके मुख से निकला वादा है उसमें चेतावनी कहां छुपी हुई है। हम उस प्रॉमिसेस को देखते हुए चेतावनी की तरफ अपना ध्यान ही नहीं देते। लेकिन सवाल यह है कि हमें उस प्रॉमिस में चेतावनी पर ज्यादा ध्यान देना है, तब वो प्रॉमिस हमारा है, तब वो प्रॉमिस हमारा है। लेकिन हम उस चेतावनी पर ध्यान नहीं देते। हम समझते हैं कि बात तो भविष्य की है, ये होगा किसी और के साथ होगा। मेरे लिए तो प्रभु ने कहा है कि मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। धर्मी 7 बार गिरता है फिर भी उठ जाता है, हालेलुया। धर्मी के परिवार को कभी भी किसी ने भीख मांगते हुए नहीं देखा है। ये सारे प्रोमिसेस हमको बहुत अच्छे लगते हैं और ये बहुत सही है, लेकिन इन प्रोमिसेस के साथ परमेश्वर की जो चेतावनी है उस पर आज मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। बहुत जरूरी है कि हम उस प्रॉमिस को समझें, क्योंकि परमेश्वर का एक एक वचन उसके मुंह से निकली हुई एक, इनको एक कीमत है, उसका खजाना है, उसने जब बोला है वो होगा, उसने बोला है, परमेश्वर ने बोला है। इसलिए बाइबल में कहीं लिखा हुआ है यहोवा की वाणी है। यीशु ने कहा है मैं तुमसे सच सच कहता हूं, उसने मुख से कहा है। कभी भी परमेश्वर ने यूं ही नहीं कह दिया। हम जब बाइबल पढ़ते हैं या हम सुनते हैं तो कभी कभी सोचते हैं कि परमेश्वर ने कहा है, चलो ठीक है। यीशु ने कोई भी ऐसी बात नहीं की जो यूं ही कह दी हो, उस बात का रिग्रेट नहीं किया। इसलिए मत्ती 5 में पहला वचन क्या कहता है कि यीशु मसीह ने मुंह खोल कर बोला। वचन हमें क्या बताता है कि उसने सोच समझ कर मुंह खोल कर परमेश्वर का वचन बोला। वो जो बोलता है उसकी कीमत है, वो जो बोलता है उसके मायने हैं। यूं ही नहीं बोलता है, वो बोलता है मैं आऊंगा और तुम्हें लेकर जाऊंगा, सच है।
हर घुटना टिकेगा, हर जबान बोलेगी यीशु मसीह प्रभु है, सच है, उसने कहा है, बस इसके अलावा हमें और कुछ नहीं सोचना है, उसके मुख से निकला है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के मुख से निकली हुई वाणी हमेशा सत्य होती है, उस वाणी में कोई संदेह नहीं है। इसलिए वचन में आपके लिए पढ़ूंगा और आज आपको उन वादों में छुपे हुए चेतावनियों के बारे में बताऊंगा। हालेलुया, सब लोग तैयार हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। पहला राजा 9 का 3 से लेकर 7 के बीच में, फर्स्ट किंग 9:3-7। हालेलुया, मैं आपके लिए वचन पढ़ता हूं। और यहोवा ने उससे कहा, मैंने तेरे लिए प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट को जो तूने मुझसे की है सुनी है। इस भवन को जिसे तूने बनाया है उसे मैंने अपना नाम सदा के लिए रखकर उसे पवित्र किया है, और मेरी आंखें और मेरा मन नित्य वहीं लगे रहेंगे। और तुझसे यह कहना है कि यदि तू मेरे सामने अपने पिता दाऊद के समान मन की खराई और सिधाई से चले और उन सब आज्ञाओं के अनुसार करता रहे जो मैंने तुझे दी हैं, मेरी सब विधियों और नियमों को मानता रहे, तो मैं तेरी राजगद्दी इज़राइल के ऊपर सदा के लिए स्थिर करूंगा, जैसा कि मैंने तेरे पिता को यह कहकर वचन दिया था, तेरे कुल में इज़राइल की गद्दी पर विराजने वालों की कमी ना होगी। परंतु यदि तुम लोग तुम्हारे वंशज मेरे पीछे चलना छोड़ दें और मेरी आज्ञाओं और मेरी विधियों को जो मैंने तुमको दी हैं ना माने और जाकर पराए देवताओं की उपासना करें, सेवा करें, तो मैं इज़राइल को इस देश में से जो मैंने उनको दिया है मिटा डालूंगा और इस भवन को जिसे मैंने अपने नाम के लिए पवित्र किया है अपनी दृष्टि से दूर उतार दूंगा। हालेलुया। यहां किससे बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? सुलेमान की। सुलेमान कौन है? दाऊद राजा का पुत्र। दाऊद को किसने अभिषेक किया था? परमेश्वर ने। हालेलुया। सुलेमान जिसने 3,000 नीति वचन लिखे, जिसकी बुद्धि का लोहा दुनिया मानती है, इतना बुद्धिमान इंसान था। जब परमेश्वर ने उससे बोला, सुलेमान तुझे क्या चाहिए? उसने कहा, मुझे बुद्धि चाहिए ताकि जो तूने मुझे राज्य दिया है उस वहां जो लोग हैं उनका मैं न्याय कर सकूं। हालेलुया। तो परमेश्वर ने खुश होकर कहा कि तूने बुद्धि मांगी है, तूने मान और सम्मान धन नहीं मांगा, शक्ति नहीं मांगी है, दुश्मनों से लड़ने के लिए तूने ताकत नहीं मांगी है, तूने बुद्धि मांगी है। मैं तुझे बुद्धि देता हूं, लेकिन बुद्धि के साथ साथ मैं तुझे ये सारी चीजें भी देता हूं। हालेलुया। यानी कि सुलेमान वो शख्स था जिसे परमेश्वर ने अद्भुत आशीष दिया था, पूरा संसार उसकी बुद्धि का लोहा मानता था। लेकिन क्या हुआ, यहां पर क्या हुआ? प्रेज़ द लॉर्ड। जब उसने प्रभु का मंदिर बनाया, प्रार्थना की, परमेश्वर तू हमेशा यहां रहना, तेरी निगाहें इसी मंदिर पर रहें, तेरा मन इसी मंदिर पर रहे, जो इस मंदिर में आकर तेरी सेवा करे, जो इस मंदिर में आकर प्रार्थना करे, तो उसकी हर प्रार्थना को सुनना। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, मैं जरूर सुनूंगा। अगर ये प्रार्थना आप सुनेंगे, प्रॉमिस, इस प्रॉमिस में परमेश्वर ने एक चेतावनी दी है कि अगर तू पराए देवताओं के पीछे गया, अगर तू पराए देवताओं के पीछे गया, तो मैं तुझसे दूर हो जाऊंगा, मैं तेरा राज्य तुझसे छीन लूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इस मंदिर को जो मैंने तूने मेरे लिए बनाया है, इसको अपने आंखों से दूर कर दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कौन था वो? सुलेमान, बुद्धिमान इंसान, लेकिन वो परमेश्वर की इस चेतावनी को समझ नहीं सका, वो परमेश्वर की इस चेतावनी को ध्यान नहीं दिया, उसने कॉन्सेंट्रेट नहीं किया कि मैं परमेश्वर की, परमेश्वर ने इसमें चेतावनी भी दी है। यही तो चीज है कि जब परमेश्वर हमें चुनता है, हम समझते हैं कि परमेश्वर ने 10 आज्ञाओं में परमेश्वर ने कहा है कि मूर्ति पूजा करना पाप है। हम लोग क्या समझते हैं कि मूर्ति पूजा करना अविश्वासियों के लिए है। हम तो मंदिर आते हैं, हम तो चर्च आते हैं, हमारे लिए आज्ञा है ही नहीं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि ये आज्ञा हमारे लिए है, क्योंकि कलीसिया आने के बाद, मान और सम्मान मिलने के बाद, आपने अपने लिए अपने दिल में कौन सी मूर्ति तैयार कर ली है?
परमेश्वर से ज्यादा आप किसको प्यार करते हैं? परमेश्वर के चरणों में आने के बाद अगर परमेश्वर ने आपके बिजनेस को बहुत ऊंचा कर दिया है तो क्या बिजनेस आपकी मूर्ति है? 16 साल से आप मां नहीं बन पा रही थी और 16 साल के बाद, 12 साल के बाद, 15 साल के बाद आप मां बन रही हैं, तो क्या वो बच्चा आपकी मूर्ति है? क्योंकि जैसे ही बच्चा आया परमेश्वर आपसे दूर हो गया। प्रेज द लॉर्ड। आपकी मूर्ति कौन है? यही तो देखता है परमेश्वर कि एक औरत जो सालों से मां नहीं बन पा रही है, जब मैं उसे बच्चा दूंगा तो मुझसे दूर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो बच्चे को मुझसे ज्यादा प्यार करने लगेगी, वो बच्चा उसके लिए मूर्ति बन जाएगा। लोग आते हैं, रोते हैं, प्रभु हमें काम दीजिए, हमारा बिजनेस असफल है, हमारा बिजनेस खत्म हो चुका है, हमें नौकरी नहीं मिल रही है, हमारी नौकरी के लिए आशीष दीजिए। प्रार्थना करने के लिए लोग आते हैं, मेरे पास आते हैं, और हम जब प्रार्थना करते हैं उनका बिजनेस चलता है, उनको अच्छी नौकरी मिलती है और वो नौकरी, वो बिजनेस उनकी मूर्ति बन जाता है, वो बिजनेस ही उनको दूर कर देता है। फिर वो कहते हैं कि आप क्या करें पास्टर, काम इतना है, नहीं आ पा रहे हैं, क्या करें, ये छोड़ देंगे तो क्या होगा, परमेश्वर को छोड़ देंगे चलेगा? प्रेज द लॉर्ड। तो आप भूल जाते हैं कि परमेश्वर का कहीं आशीष मेरी मूर्ति ना बन जाए। इसलिए प्रार्थना करिए कि परमेश्वर मुझे वो आशीष नहीं चाहिए जो मुझे तुझसे दूर कर दे, मुझे वो सुख नहीं चाहिए जो मुझे तुझसे दूर कर दे। अगर तू कोई ऐसा सुख मैं मांग रहा हूं जो मुझे तुझसे दूर कर देगा, प्लीज परमेश्वर मेरी ना सुन, मेरी इच्छा को पूरा ना कर, मेरी इच्छा को पूरा ना कर, नहीं, क्योंकि तेरा सुख, तेरी उपस्थिति मेरे जीवन में ज्यादा जरूरी है। हालेलुया। यहां पर क्या हुआ? सुलेमान की परमेश्वर ने प्रार्थना सुनी, सुलेमान ने मंदिर बनाया, परमेश्वर ने उसको एक्सेप्ट किया, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि अगर तो दूसरे पराए देवताओं की ओर जाएगा, पराए देवताओं की ओर अगर तू मुड़ेगा तो मैं तुझसे दूर हो जाऊंगा। हालेलुया। देखिए क्या होता है, ग्यारहवां, इसी का ग्यारहवां, एक से चार के बीच में हम पढ़ेंगे। राजा सुलेमान फिरौन की पुत्री और अन्य बहुत सी विदेशी स्त्रियों अर्थात मुआबी, अम्मोनी, अदोमी, सिदोनी और हित्ती स्त्रियों से प्रेम करने लगा। ये उन जातियों की स्त्रियां थीं जिनके विषय में यहोवा ने इजरायलियों से कहा था, तुम उनके साथ संबंध ना रखना और ना ही वे तुम्हारे साथ संबंध रखें, क्योंकि वे निसंदेह तुम्हारे मन को अपने देवताओं की ओर फेर लेंगी। सुलेमान इन्हीं के साथ प्रेम में लिप्त रहा और उसने 700 राजकुमारियों को अपनी पत्नी बना लिया और 300 रखेलियां थीं और उनकी स्त्रियों ने उसका मन बहका दिया। और ऐसा हुआ कि जब सुलेमान बूढ़ा हुआ तो उसकी स्त्रियों ने उसका मन पराए देवताओं की ओर फेर दिया और उसका मन अपने पिता दाऊद के समान अपने परमेश्वर यहोवा की पूरी रीति से ना लगा रहा। प्रेज द लॉर्ड। क्या हुआ? क्योंकि सुलेमान ने उस चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया। राजा था, परमेश्वर ने उसे बहुत दिया, उसे सोने का मंदिर बनाया था, बहुत दिया परमेश्वर ने, लोग दूर दूर से आते थे उसका मंदिर देखने के लिए, उसका राज, उसका महल देखने के लिए आते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। वो बुद्धि सुलेमान के लिए मूर्ति बन गई। सुलेमान जो सबको बुद्धि देता था वो इस चेतावनी को नहीं समझ सका। अगर उसने परमेश्वर की चेतावनी को समझा होता, अगर परमेश्वर के मुख से निकले हुए इस वचन को उसने समझा होता कि परमेश्वर क्या कह रहा है कि अगर मैं पराए देवताओं की ओर मुड़ूंगा, पराए देवताओं की ओर जाऊंगा तो परमेश्वर मुझे छोड़ देगा। हालेलुया। अगर वो सोचता कि ये परमेश्वर ने क्यों कहा है मुझे, मैं तो पराए देवताओं की ओर नहीं जा रहा हूं, मैं तो परमेश्वर को अपना पिता मानता हूं, मैंने यहोवा के लिए मंदिर बनाया है, क्यों सोच रहा है परमेश्वर ये ऐसा? इस लॉर्ड, तब वो जानता कि नहीं, मैं कमजोर हूं, मैं एक इंसान हूं,
कहीं ये तो नहीं है कि आने वाले भविष्य में मैं कमजोर हो जाऊं, कहीं ये तो नहीं है कि आने वाले भविष्य में मैं कमजोर पड़ जाऊं और परमेश्वर की योजना के अनुसार परमेश्वर की विधियों से मुखर जाऊं। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर ऐसा होता और अगर मैं ऐसा सोचता तो परमेश्वर से प्रार्थना करता कि तूने कहा है पिता कि मैं पराए देवताओं की ओर ना जाऊं, मैं नहीं जाना चाहता हूं, और अगर तुझे लगता है कि मैं जाऊंगा तो प्लीज मुझे बुद्धि दे, मुझे बुद्धि दे कि मैं समझ सकूं। कोई ऐसी औरत तो नहीं आ रही है मेरे जीवन में जो मुझे परमेश्वर से दूर कर दे, कोई ऐसा पैसा तो नहीं आ रहा, कोई मान और सम्मान तो मुझे नहीं मिल रहा है जो मुझे परमेश्वर से दूर कर दे। अगर तू जानता है तो मुझे बता ताकि मैं उससे दूर हो जाऊं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उसे नहीं मांगा क्योंकि वो उस चेतावनी को समझा नहीं। यही होता है हमारे साथ, हम परमेश्वर की चेतावनियों को नहीं समझते, हम उस प्रॉमिस को समझते हैं, लेकिन उस प्रॉमिस के अंदर जो चेतावनी छुपी हुई है उसको पर हम ध्यान नहीं देते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर हमसे बात करता है, परमेश्वर आपको आपसे ज्यादा जानता है। हम समझते हैं कि हम बहुत शक्तिशाली हैं, हम समझते हैं कि हम एक हफ्ता कुछ नहीं खाएंगे, हम बिना पानी के भी रह सकते हैं, हम समझते हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर हमको हमसे ज्यादा जानता है, इसलिए आगे क्या होने वाला है भविष्य परमेश्वर देखता है, वो जानता है कि मेरे जीवन में क्या होने वाला है, क्योंकि मुझे रचने वाला वही है, मुझे बुद्धि देने वाला वही है, मां के गर्भ से निकालने वाला वही है। हम भूल जाते हैं कि मेरा सब कुछ परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये हमें कभी नहीं भूलना है मेरे भाई। हर पल हर क्षण हम कहीं बिजनेस का कोई समझौता करें, कोई वाचा बांधे बिजनेस की, कोई कमिटमेंट करें, कहीं जाएं, हम हमेशा याद रखें कि परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर ने मुझे चुना है, मैं परमेश्वर का हूं, मैं पिता का हूं, और वो पिता जो मेरे मन को जानता है, वो पिता जो मेरी आत्मा को जानता है, वो पिता जो मेरी शक्ति को जानता है, मेरी कमजोरी को जानता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए बाइबल कहती है दीनता के साथ रहो, धन्य है जो मन के दीन है। जब आप दीन रहेंगे तो आप परमेश्वर के चरणों में रहेंगे, जब आप दीन रहेंगे तब आप हमेशा कुछ अपने आप को जांचेंगे, परखेंगे कि मुझ में क्या गलती है, मैं चर्च में कहीं प्रभु से दूर तो नहीं हो रहा हूं, कहीं कोई मेरी संगति मुझे गलत रास्ते पर तो लेके नहीं जा रही है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मेरा मेन, मेरी मंजिल कौन है? हेलो, कौन है? प्रेज द लॉर्ड। जोर से बोली, आपकी मंजिल कौन है? यीशु। मुझे मेरी मंजिल तो को देखना है। अगर आपके सामने आपकी रोज की मंजिल नहीं दिख रही है, आप खतरे में है। कौन आ रहा है उस मंजिल को छुपाने के लिए? कौन आ रहा है? मेरा रिश्ता आ रहा है, धन और संपत्ति आ रही है, मेरा काम आ रहा है, जिससे वो लक्ष्य, वो जो मंजिल, जो इश्यू है, मुझे धुंधला हो रहा है, मुझे दिख नहीं रहा है। अपने आप को जांचिए, क्या शरीर, आपका शरीर, आपके शरीर की वजह से आपका इश्यू आपको नहीं दिख रहा है? आपके पैसे की वजह से आपका इश्यू आपको नहीं दिख रहा है? आपके धंधे की वजह से, आपके रिश्ते की वजह से, आपके बच्चे की वजह से अगर आपका आपका इश्यू आपको नहीं दिख रहा है, आप खतरे में हैं। जांचिए अपने आप को, मुझे मेरा इश्यू रोज दिखे। अगर मुझे मेरा इश्यू रोज दिख रहा है तो धन्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए जितने परमेश्वर के प्रॉमिसेस हैं उसमें परमेश्वर की चेतावनी छुपी हुई है। एक और प्रॉमिस को देखता हूं मैं, इब्राहिम को, जेनेसिस 13:14-17 के बीच में।
इब्राहिम को परमेश्वर ने चुना था, जेनेसिस उत्पत्ति 13:14-17 के बीच में इब्राहिम को परमेश्वर ने चुना, उस देश से लेकर आया और उसे कहा कि मैं तुम्हारे द्वारा अपना वंश बढ़ाऊंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अरे इब्राहिम, मैंने तुझे चुना है और मैं तुझे राष्ट्रपिता बनाऊंगा, सबका मूल पिता बनाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन इब्राहिम जब उस देश से निकला, प्रेज द लॉर्ड, तो अपने संग लूत को लेकर आ गया। यह परमेश्वर की योजना नहीं थी कि वो लूत को लेकर आए। उत्पत्ति 12 में उसने 2 बार वाचा बांधी। उत्पत्ति 12 में ही वो मिस्र चला गया, जो कि परमेश्वर की योजना नहीं थी। मिस्र से वो हाजरा को लेकर आ गया, जो कि परमेश्वर की योजना नहीं थी। इसलिए 13वें अध्याय में जब इब्राहिम आया, तो 13वें अध्याय में परमेश्वर ने तीसरी बार वाचा बांधी। और उस वाचा में क्या कहता है परमेश्वर, सुनिए 13:14-17। जब लूत अब्राहम से अलग हो गया, लूत अब्राहम से अलग हो गया, तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा, हाँ, आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहाँ से उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, हाँ, चारों ओर दृष्टि कर। हालेलुया। आगे, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा। हालेलुया। आगे, और मैं तेरे वंश को पृथ्वी की धूल के किनको से समान बहुत करूंगा। और मैं तेरे वंश को पृथ्वी की धूल के किनको के नाई बहुत करूंगा। यहाँ तक कि जो कोई पृथ्वी की धूल की किनको किनको को गिन सकेगा वही तेरा वंश भी गिन सकेगा। यहाँ तक कि जो कोई पृथ्वी की धूल के कणों को गिन सकेगा वही तेरे वंश को गिन सकेगा। जब इब्राहिम अपने देश से निकला, उसकी उम्र कितनी थी? 75 years, 75 साल का वो था। और परमेश्वर ने क्या कहा कि मैं तेरे वंश को इतना बढ़ाऊंगा जैसे धूल के कण, पृथ्वी के धूल के कणों को जो कोई गिन सकेगा वही तेरे वंश को गिन सकेगा। यानी कि इतना बड़ा वंश होगा तेरा। प्रेज द लॉर्ड। ये क्या है? प्रॉमिस। लेकिन इस प्रॉमिस में परमेश्वर की चेतावनी छुपी हुई है, क्योंकि अभी तक उसके बच्चा नहीं है, सारा और इब्राहिम का कोई बच्चा नहीं है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे इतने बच्चे दूंगा, तेरा वंश इतना बड़ा होगा कि धूली का कण अगर कोई गिन सकता है तो वो तेरे बच्चों को गिनेगा। प्रेज द लॉर्ड। इब्राहिम नहीं समझ सका। और क्या हुआ? अध्याय 16 में 2-4 के बीच में, उत्पत्ति 16:2-4 के बीच में, जब सारा ने कहा ये हाजिरा है, मुझसे कोई संतान नहीं हो रही है, ये हाजिरा है, जा तू इसको अपनी पत्नी बना और इससे संतान पैदा कर। पढ़िए बेटा, अध्याय 16:2-4। सारे ने अब्राहम से कहा, हाँ, देख यहोवा ने तो मेरी कोख बंद कर रखी है, हाँ, इसलिए मैं तुझसे विनंती करती हूँ कि तू मेरी दासी के पास जा, हाँ, संभव है कि मेरा घर उसके द्वारा बच जाए। प्रेज द लॉर्ड। सारे की ये बात अब्राहम ने मान ली। सो सारे की ये बात अब्राहम ने मान ली। प्रेज द लॉर्ड। इसका पहला दिखाई, दूसरा इसी का दूसरा पहला, हाँ, देख सारे ने अब्राहम से क्या कहा, देख यहोवा ने मेरी कोख बंद कर रखी है। अगर इब्राहिम सारा से कहता, सारा परमेश्वर ने मुझसे वाचा बांधी है कि वो हमें इतनी औलाद देगा, हमारा वंश इतना बड़ा होगा कि जो कोई धूली का कण गिन सकता है वो उन्हें गिन सकेगा। परमेश्वर ने वाचा बांधी है, सारा तेरी कोख खुलेगी और तुझे आशीष मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। किससे वाचा बांधी थी परमेश्वर ने? इब्राहिम से। लेकिन इब्राहिम ने नहीं बोला। प्रेज द लॉर्ड। वो उस चेतावनी को नहीं समझ सका, उस प्रॉमिस को नहीं समझ सका, क्योंकि परमेश्वर जानता था कि यह हाजिरा को लेकर आया है। मिस्र में ऐसी प्रथा थी कि दूसरी की औरत से बच्चा पैदा कर सकते थे, उस देश में नहीं थी। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर नहीं चाहता था कि इब्राहिम मिस्र जाए, इसलिए उसने इसाक को मना किया मिस्र जाने के लिए। हालेलुया। लेकिन वो गया और यहां पर सारा की बात मानकर वो हाजिरा के पास गया।
16 का लास्ट, 16 का अंतिम वचन निकालिए, और उससे क्या हुआ कि हाजरा के पास गया और उससे इश्माइल पैदा हुआ। जब इश्माइल पैदा हुआ तो कितनी उम्र थी इब्राहिम की? 86 years old, 86 वर्ष का था इब्राहिम। जब इश्माइल पैदा हुआ इब्राहिम 86 वर्ष का था। और अगर हम उत्पत्ति 17 का पहला निकालेंगे तो हम पाएंगे कि 13 साल तक परमेश्वर ने इब्राहिम से बात नहीं की। 13 साल तक, क्यों? क्योंकि परमेश्वर के आशीषों को, परमेश्वर के प्रॉमिस को वो समझ नहीं सका। हम परमेश्वर के प्रॉमिसेस को समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए हमारे जीवन में पाप आता है, हम पाप से अभी तक लड़ रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे परमेश्वर के प्रॉमिस को, परमेश्वर को समझ ही नहीं पा रहे। जो वो कहता है वो होता है। आपके जीवन में क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आप विश्वास नहीं कर रहे, क्योंकि आप महसूस नहीं कर रहे, क्योंकि आप वचन पे नहीं चल रहे। इसलिए उत्पत्ति 17 में उसने क्या कहा? पहला, जब इब्राहिम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा। मैन, यहोवा ने उसको डांटा, इब्राहिम मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, जो मैं बोलता हूं उसकी कीमत है, उसको समझ। मैंने तुझे कहा था कि तुझसे मैं औलाद पैदा करूंगा। परमेश्वर जानता है मेरी बहन कि आपका जीवन कैसे चलेगा। हम अपनी बुद्धि से काम करते हैं, हम समझते नहीं कि परमेश्वर, हम समझते हैं कि परमेश्वर से ज्यादा हम जानते हैं। परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला है, प्रभु है। आपके जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो परमेश्वर नहीं कर सकता है। हम अपनी बुद्धि से काम करते हैं, हम परमेश्वर को इंपॉर्टेंस नहीं देते, हम शरीर को इंपॉर्टेंस देते हैं। सारे ने कहा यहोवा ने मेरी कोख बंद कर दी है। इब्राहिम भूल गया कि मैं अपना देश, अपने पिता, अपने परिवार छोड़कर किसके लिए आया हूं? परमेश्वर के लिए आया हूं। मैंने परमेश्वर की वाणी पर विश्वास किया है। प्रेज द लॉर्ड। आप कलीसिया क्यों आ रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर जो मुख से कहता है वो हो रहा है। कितने जीवन में हो रहा है? कितनों के जीवन में हो रहा है? कितने लोग महसूस करते हैं जो परमेश्वर कह रहा है वो हो रहा है? हालेलुया। आपने मुझे दिखाने के लिए तो हाथ नहीं उठाए ना। आपके जीवन में परमेश्वर कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हमें झूठ नहीं बोलना है यहां पर। हम परमेश्वर के बच्चे हैं, हम परमेश्वर के मंदिर में बैठे हैं। इसलिए जो परमेश्वर हमारे जीवन में कर रहा है उसको महसूस करिए और अंगीकार करिए। लास्ट वीक मैंने बताया था कि आपको अंगीकार करना है। यहां पर परमेश्वर क्या कहता है? हे इब्राहिम, मैं सर्वशक्तिमान। वो बता रहा है मैं कौन हूं। परमेश्वर को कभी कभी बताना पड़ता है कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मुझे जानो। मैंने तुम्हें चुनकर कलीसिया लेकर आ गया हूं, तुम्हारे पापों को ढकने के लिए, तुम्हारे पापों से तुम्हें शुद्ध करने के लिए मैंने अपने इकलौते पुत्र का बलिदान दे दिया। तुम उसकी को कीमत नहीं समझ रहे हो, तुम कीमत नहीं समझ रहे हो। चर्च में आने के लिए पास्टर तुम्हें कहता है प्लीज आइए, उसकी कीमत नहीं समझ रहे हैं आप। घूम रहे हैं इधर उधर, उधर घूम रहे हैं क्योंकि आप अपनी बुद्धि पर विश्वास करते हैं। कीमत नहीं समझ रहे हैं आप उसके प्यार की, आपकी शुद्धता, जो परमेश्वर ने आपको शुद्ध किया उसकी कीमत नहीं समझ रहे हैं आप। मुझे यीशु से शुद्धता मिली है, इससे बड़ा खजाना और क्या होगा? प्रेज द लॉर्ड।
आपको जबान दी है परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने परमेश्वर का नाम लेने के लिए आपको योग्य बनाया है। हम नहीं जानते थे उस परमेश्वर को, हम किसी का भी नाम लेते थे, हमें परमेश्वर ने योग्य बनाया, बुद्धि दी ली, खोली, पवित्र किया, और जब पवित्र किया तो हम जाने करे यहोवा ही है, यीशु ही है। हालेलुया। एक फ्राइडे को मैंने एग्जांपल दिया था, ध्यान से समझिए इसको। मान लीजिए एक जानवर, कुत्ता या बिल्ली पड़े हुए आपके घर के बाहर, उसके जख्म है, कुत्ते के जख्म है, उसके टांग टूटी हुई है, मक्खियां बिन बना रही हैं, वो रो रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड, आपने उसको देखा लेकिन आप चले गए, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मान लीजिए उस कुत्ते को प्रभु जबान दे दे आदमी की, और आप अपने घर से बाहर निकले और वो कहे बहन बहुत दर्द हो रहा है, बहन इन मक्खियों को हटा, बहन मैं भूखा हूं, मुझे दूध दे दे, मुझे रोटी दे दे, अगर उसकी जबान आ जाए तो आप देंगे कि नहीं देंगे? प्रेज द लॉर्ड, आप रुक जाएंगे क्योंकि आप समझने लगे हैं। प्रेज द लॉर्ड, आप समझ रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, यीशु मसीह ने आपको परमेश्वर के योग्य बनाया है। मैं आपकी तुलना किसी जानवर से नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि आपके अधर्म के कामों ने ही, कामों की वजह से परमेश्वर ने अपना मुंह छुपा लिया था। पढ़िए यशाया 59 का 2, यशाया 59 का 2, हमारे अधर्म की वजह से, हमारे अधर्म के कामों की वजह से परमेश्वर ने अपना मुंह छुपा लिया था, इसलिए वो हमें देखता नहीं था, हमें पत्थर दिख रहे थे, हमें कुत्ते बिल्लियां दिख रहे थे, कुत्ते को खाना खिलाओ, बिल्ली को खाना खिलाओ, इसको खिलाओ, उसको खिलाओ। तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे इस तरीके से छिप गया है कि वो तुम्हें नहीं दिखता। क्या क्या यीशु मसीह ने अपना लहू बहाकर आपके पापों से आपको शुद्ध किया। आप नहीं जानते आपको क्या बना दिया है। जैसे ही आपके पापों से आपको शुद्ध किया है, आपको कौन दिख रहा है? परमेश्वर। जो छिपा हुआ था वो आपको दिखने लगा, जो छिपा हुआ था वो आपको दिखने लगा। हालेलुया। मेरी बहन, जो आपको आपके पूर्वजों को नहीं दिखता था, वो यीशु मसीह के जरिए आपको दिखने लगा। मुझे परमेश्वर दिख रहा है, फिर भी मैं संसार की तरफ देख रहा हूं, फिर भी मैं अपने धंधे की तरफ देख रहा हूं। अरे ये परमेश्वर की कृपा है कि यीशु ने मुझे शुद्ध कर दिया, पवित्र कर दिया, मेरे लहू को, मेरे पापों को मेरे अंदर से निकाल दिया, और फिर मुझे यीशु दिखने लगा, प्रभु दिखने लगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए वो नहीं चाहता है कि दोबारा पाप हमारे अंदर आए, इसलिए वो कहता है मेरे प्रॉमिसेस को समझो, जो मैं प्रॉमिस कह रहा हूं उसको समझो। इसलिए वो कहता है इब्राहिम से कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा, क्योंकि मेरे बिना तो सिद्ध नहीं हो सकता। हम परमेश्वर के बिना सिद्ध नहीं हो सकते। अगर आप ये समझते हैं कि आप परमेश्वर के बिना कुछ हैं, तो आप शून्य से भी बदतर हैं। कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं है, उसका अनुग्रह है। मेरी बहन, आज का दिन जो मिला है ना, आज जो हम सांस ले रहे हैं ना, ये उसकी कृपा है। प्रेज द लॉर्ड। हमारे पास कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको लेकर, जिसको देखकर हम गुमान कर सकें, घमंड कर सकें, नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है।
एक पल आदमी अभी है नहीं है, कुछ भी नहीं है। अपने कपड़ों पर, अपनी गाड़ी पर, अपने मकान पर हम घमंड करते हैं, अपने ज्ञान पर घमंड करते हैं। सुलेमान को ज्ञान पर बहुत घमंड था, क्या हुआ अंतिम समय में? परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया, उसे दूर हो गया। वो सुलेमान जिसने 3,000 नीति वचन लिखे, प्रेज द लॉर्ड। पर ये हमेशा याद रखिए मेरे भाई मेरी बहन, कि प्रभु मुझको मुझसे ज्यादा जानता है। मत घमंड करिए, मैं बहुत बड़ा आदमी बन गया हूं, ये काम जो मैं कर रहा हूं मेरे बुद्धि से काम कर रहा हूं। जो काम आज मैंने किया, धन्यवाद प्रभु तूने बुद्धि दी और मैं कर सका। धन्यवाद प्रभु तू मुझे बुद्धि दे रहा और मैं बोल रहा हूं। हालेलुया। लूका 22, जब यीशु मसीह ने पतरस को चेतावनी दी, देखिए ध्यान दीजिए, ये वचन हम कई बार पढ़ चुके हैं। लूका 22 32 से 34, लूका 22:32-34, परमेश्वर ने लूका से कहा, लूका शैतान ने तुझे गेहूं की तरह मांग लिया है, जब तू फिरे तो अपने दोस्तों को लेकर आ, जब तू विश्वास में फिरे। यीशु ने उसको चेतावनी दी, प्रेज द लॉर्ड। यानी कि यीशु पतरस को ज्यादा जानता था। हेलो, क्या बोला उसने? कि शैतान ने तुझे मांग लिया है गेहूं की तरह फटकने के लिए। पढ़िए 32-34। परंतु मैं तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता न रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। उसने उनसे कहा, हे प्रभु मैं तेरे साथ बंदीगृह जाने वरन मरने को भी तैयार हूँ। उसने कहा, हे पतरस मैं तुझसे कहता हूँ कि आज मुर्ग बांग न देगा जब तक तू 3 बार मेरा इनकार न कर लेगा कि तू मुझे नहीं जानता। पतरस क्या कहता? अरे प्रभु क्या बात कर रहे हो, मैं जान दे दूंगा आपके लिए। यीशु कहता है तू आज सुबह तक मेरा 3 बार इनकार करेगा। मुर्गे की बांग बोलने से पहले तो 3 बार इनकार करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सोचिए अगर पतरस जान लेता कि जो यीशु के मुख से निकल रहा है वो होगा, अगर पतरस उसकी अहमियत को समझता, अगर पतरस जान लेता कि नहीं वाकई हम कुछ नहीं है, अगर वो महसूस करता कि यीशु तू क्या कह रहा है, मैं तेरा इनकार करूंगा, हो सकता है यीशु, हो सकता है मैं तेरा इनकार करूं, प्लीज मुझे शक्ति दे, प्लीज ऐसा ना होने दे, मैं तेरा इनकार करना नहीं चाहता, प्लीज प्रभु तू जानता है मुझे, मैं कमजोर हूं, अगर तू कह रहा है तो ऐसा हो सकता है, मैं कमजोर हूं, प्लीज यीशु मुझे शक्ति दे, मेरे संग ऐसा ना हो। प्रेज द लॉर्ड। तो क्या पता परमेश्वर उसे शक्ति देता, लेकिन उसने शक्ति नहीं मांगी, उसने अपनी बुद्धि का उपयोग किया। प्रेज द लॉर्ड। कभी कभी हमारा थोड़ा सा जो ज्ञान है ना उसका हमें घमंड आ जाता है, अरे ये मशीन तो मैं ऐसे बना सकता हूं, मशीन से निकलने वाला सामान तो मैं ऐसे बस देखूंगा और बन जाएगा। मेरी बहन मेरे भाई हमें कहीं भी कभी भी घमंड नहीं करना है, क्योंकि घमंड आपकी बुद्धि बंद कर देता है। नीति वचन कहता है घमंड आपकी बुद्धि बंद कर देता है। उसे प्राउड आ गया था पतरस को, हालेलुया। उसे कहा नहीं यीशु हो ही नहीं सकता। इसलिए यीशु कहता दीन बनो,
इसलिए यीशु ने पतरस के सामने पैर धोए उसके, उसको बताया कि दीनबान झुक। इसलिए यीशु मसीह उसके लिए प्रार्थना की कि ये नहीं समझ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने शस्त्र दिया है हमें, शस्त्र। कौन सा शस्त्र है? इफिसियों 6:18, निरंतर प्रार्थना करो, निरंतर प्रार्थना करो। यूहन्ना 14:2-3, यूहन्ना 14, जॉन 14, 2-2 and 3, यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि मैं जा रहा हूं, मैं स्वर्ग जा रहा हूं, अपने पिता के पास जा रहा हूं। हालेलुया। देखिए यहां पर कितना अच्छा प्रॉमिस दिया है, हालेलुया, कितना अच्छा प्रॉमिस परमेश्वर ने दिया यीशु मसीह ने अपने चेलों को कि मैं जा रहा हूं और तुम्हारे लिए घर बनाने जा रहा हूं। हालेलुया। लेकिन इस प्रॉमिस में कितनी बड़ी चेतावनी है, हम उसको नहीं समझते। देखिए इस प्रॉमिस में कितनी बड़ी चेतावनी है, बोलिए बेटा। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। आगे, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ भी तुम रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी कि यीशु का वादा किया है, उसका प्रॉमिस किया है कि मैं जा रहा हूं और तुम्हारे लिए अपने पिता के घर में स्थान बनाने जा रहा हूं, जगह तैयार करने जा रहा हूं, क्योंकि मैं जहां रह रहा हूं मैं चाहता हूं कि तुम भी वहीं रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। ये कितना अच्छा प्रॉमिस है कि परमेश्वर हमारे लिए घर तैयार कर रहा है। हालेलुया। हमारे लिए महल तैयार कर रहा है, यीशु हमारे लिए घर तैयार कर रहा है। लेकिन यहां पर चेतावनी क्या है? इस प्रॉमिस, अगर आप ये चाहते हैं कि आपका ये प्रॉमिस आपके जीवन में पूरा हो, तो आप धरती पर अपने लिए घर बनाने के लिए लालसा मत करिए। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी कि यीशु कह रहा है कि मैं तेरे लिए घर बना रहा हूं स्वर्ग में। अगर वो स्वर्ग में घर बना रहा है तो मुझे पृथ्वी पे क्या जरूरत है? हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और मेरा घर कौन बना रहा है? यीशु। मेरा आर्किटेक्ट कौन है? यीशु। मेरा बिल्डर कौन है? यीशु। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने मुझे रचा है और वो कहता है कि आओ मैं इन्हें अपनी समानता और स्वरूप में रचता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी कि जो जो मुझे पसंद है उससे बढ़िया चीजें वहां पर होंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब इस धरती पर हमें मकानों के पीछे नहीं, हमें प्रभु के पीछे रहना है। हालेलुया। बाइबल में ये नहीं कहता कि आप मकान में मत रहिए, अच्छे मकान में, ये नहीं है। लेकिन आपका जो मूर्ति है, आपका जो ध्येय है, आपका जो रास्ता है, वो प्रभु होना चाहिए। उसके लिए खर्च करिए अपने जीवन को। हालेलुया। Praise the Lord, Hallelujah। उसके लिए खर्च करिए। यूहन्ना जॉन 14:6 ये वचन सबको पता है। जॉन 14:6 यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। ये क्या है? एक प्रॉमिस भी है और चेतावनी भी है। चेतावनी कैसे है? यीशु कहता है मार्ग सत्य जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा आप परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी कि अगर आप इस धरती पर अपने जीवन में सत्य सिर्फ यीशु को मानते हैं, क्योंकि यीशु ही सत्य है, आपके रिश्ते सत्य नहीं है, आपका पैसा सत्य नहीं है, आपका बिजनेस सत्य नहीं है,
आपकी नौकरी सत्य नहीं है, आपकी बुद्धि सत्य नहीं है, सत्य कौन है? यीशु। अगर आप सिर्फ यीशु को ही सत्य मानते हैं अपने जीवन में कि सच सिर्फ यीशु है, इसलिए वो कहता कि सत्य से अपनी कमर को बांधो। सत्य कौन है? यीशु। अगर आपके लिए सत्य यीशु है तो पिता आपके लिए है। लेकिन अगर आप 50% यीशु को सत्य मानते हैं, 50% अपने रिश्तों को सत्य मानते हैं, अपने काम को सत्य मानते हैं, तो परमेश्वर तक पहुंचना मुश्किल है। क्योंकि मार्ग जीवन सत्य मैं ही हूं और कोई नहीं है। मेरा सत्य मेरा यीशु है। इस धरती पर अगर कोई सच्ची चीज है तो वो यीशु है। क्योंकि यीशु स्वर्ग से जमीन पर आया था, यीशु मेरे लिए मरा और मर के जिंदा हो गया, और आज भी उसकी कब्र खाली है और यीशु दोबारे आने वाला है। इसलिए मेरे लिए ये अगर सत्य सबसे बड़ा है तो परमेश्वर के लिए आपके मार्ग खुले हुए हैं। परमेश्वर आपका इंतजार कर रहा है क्योंकि सत्य आपके पास है। हालेलुया। लेकिन अगर आपके जीवन में सत्य कोई और है, आपका रिश्ता है, मेरे पति से बढ़कर और कोई नहीं है, मेरे बच्चे से बढ़कर मेरा और कोई नहीं है, मेरी मां से बढ़कर मेरा कोई नहीं है, आपके मां से पहले वो पिता है जिसने आपको आपकी मां से मिलवाया, आपके पति से पहले वो पिता है जिसने आपको आपका पति दिया। सत्य वही है, रास्ता वही है, मार्ग वही है, उसी के द्वारा हम आए, उसी के द्वारा हम इस संसार में आए हैं। इस संसार में जितने भी हैं उनके आने का मार्ग यीशु है, लेकिन वो सत्य को नहीं जान रहे। जन्म देने वाला कौन है? परमेश्वर। मां के घर में रचने वाला कौन है? परमेश्वर। जितने भी इस धरती पर लोग हैं सबकी मां के अंदर रचने वाला परमेश्वर है। अब वो जन्म लेने के बाद उसको नहीं जान रहे हैं, वो अलग चीज है, क्योंकि वो सत्य को नहीं जान रहे इसलिए परमेश्वर उनको नहीं मिला। लेकिन रचा परमेश्वर नहीं है, मार्ग वही है और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। इस धरती पर आने का मार्ग यीशु है। परमेश्वर के पास जाने का मार्ग यीशु है और कोई नहीं है। आने का और जाने का मार्ग एक ही है। यह एक प्रॉमिस भी है और यह एक चेतावनी भी है। क्योंकि अगर इस मार्ग को, इस सत्य को आपने छोड़ दिया, अगर यह सत्य आपके जीवन में नहीं है तो आप मार्ग से भटक जाएंगे। क्योंकि यीशु अगर सत्य आपके जीवन में नहीं है मेरी बहन, तो आप मार्ग से भटक जाएंगे। ये लिख लीजिए आप। वही मार्ग है जिसके द्वारा हम आए और जिसके द्वारा हम जा रहे हैं। वही मार्ग है जिसके द्वारा हम आए और जिसके द्वारा हम परमेश्वर से मिलेंगे, और कोई नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। हम कुछ सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना 15:7 एक ऐसा प्रॉमिस जो हमें शक्ति देता है, जो परमेश्वर के मुख से निकला, जो यीशु मसीह के मुख से निकला है, यूहन्ना 15:7। लेकिन इसमें चेतावनी है, पढ़ो बेटा। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। यदि तुम मुझ में बने रहो, प्रेज द लॉर्ड, यानी कि यदि तुम मुझ में रहो, प्रेज द लॉर्ड,
यानी कि मेरा जीवन किसके नाम से पहचाना जाए? यीशु के नाम से। मेरी पहचान कौन हो? बात करिए, मेरी पहचान कौन हो? मेरे बच्चों की पहचान कौन हो? यदि तुम मुझ में बने रहो, जब मैं यीशु के नाम, जब मैं यीशु के पहचान से जाना जाऊंगा, तब यदि तुम मुझ में बने रहो। उसके इसलिए चेतावनी क्या है? यदि, परंतु, यदि, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरे वचन तुम में बने रहें, यानी कि मुझे संपूर्णता के साथ प्रभु में बनना है, प्रभु में रहना है संपूर्णता के साथ। मेरी पांचों इंद्रियां जो शरीर की हैं, वो पूरी तरीके से प्रभु में रहे। जो शरीर की हैं, हम मसीह इंद्रियों से ऊपर हैं, हम जो मसीह हैं इन पांच इंद्रियों से कहीं ऊपर हैं, वो मैंने आपको बताया है। लेकिन इस शारीरिक इंद्रियों के द्वारा भी हमें संपूर्णता के साथ यीशु में बने रहना है। यदि तुम मुझ में और मेरे वचन तुम में बने रहेंगे, तो जो चाहो मांगोगे वो मिलेगा। हालेलुया। आपको मांगना ही नहीं आता, क्योंकि आपको यीशु में बनना नहीं आता। आपके लिए संडे से ज्यादा आपका काम है। आप अभी भी डरते हैं, चर्च आऊंगा कहीं नौकरी ना छूट जाए, कहीं काम हाथ से ना निकल जाए। प्रभु आप में नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे लिए प्रभु पहले है। मेरी नौकरी गई, धन्यवाद। मैं बीमार हूं, प्रभु पहले। बीमारी आपके आपका पीछा कब छोड़ेगी? आपकी गरीबी, आपकी दरिद्रता, आपकी मुसीबतें आपका पीछा कब छोड़ेंगी? जब आप यीशु मसीह को पूरी तरह पकड़ लेंगे, तब वो समझ जाएगी, नहीं यार इसका पीछा छोड़ो, क्योंकि इसने यीशु को पकड़ा हुआ है। हालेलुया। अभी आपने यीशु को नहीं पकड़ा हुआ है, अभी आप मुसीबत से बोल रहे हो, मुसीबत जा, मुसीबत जा, ए परेशानी, ए बीमारी जा। अभी आपने अपनी मुसीबत का हाथ पकड़ा हुआ है, उसके पैर पकड़े हुए हैं। अपनी बीमारी से आप बोल रहे हैं, आपने यीशु को नहीं पकड़ा हुआ है। जिस दिन आपने पूरी तरीके से यीशु को पकड़ लिया, उस दिन बीमारी, मुसीबत आपके दूर रहेगी। क्योंकि जहां यीशु है वहां सामर्थ है, बीमारी हो ही नहीं सकती। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं कहीं पढ़ रहा था, बड़ा अच्छा मुझे लगा, आप जो भी खाते हैं अगर वो 24 घंटे के अंदर आपके शरीर से ना निकले, तो आप बीमार हो जाएंगे, है कि नहीं? जो भी आप खाते हैं, अगर 24 घंटे के अंदर आपके शरीर से ना निकले, तो आप बीमार हो जाएंगे। जो भी आप पीते हैं, अगर वो 4 घंटे में ना निकले, तो आप बीमार हो जाएंगे। आप पानी पीते हैं, 4 घंटे के अंदर अगर आपके शरीर से ना निकले, बीमार हो जाएंगे। आप जो सांस लेते हैं, अगर 1 मिनट के अंदर वो आपसे अंदर से ना निकले, तो आप बीमार हो जाएंगे। बीमार हो जाएंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन आप ईर्ष्या को, द्वेष को, घमंड को, व्यभिचार को अपने अंदर रखे रहते हैं महीनों दर महीने। वो क्या करते हैं? वो प्रभु की चीज नहीं है, वो आपको बीमार कर रहा है। वो बीमार कर रहा है। सिर्फ यीशु है जिसको आप अंदर रखेंगे, तो हर बीमारी निकलेगी, हर मुसीबत निकलेगी।
आपके पास यीशु नहीं है इसलिए जीवन नहीं है। यीशु ही आपको जीवन देने वाला है, मार्ग सत्य जीवन यीशु है। कौन है? इसलिए आप अगर अपने अंदर यीशु को रखते हैं सब आपके पीछे आएंगे। आपके अंदर यीशु नहीं है, आपने नौकरी का हाथ थामा हुआ है, मुसीबत का हाथ थामा हुआ है, गिड़गिड़ा रहे हैं आप, अरे यीशु को पकड़ लो, हालेलुया, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। इसलिए यदि तुम मुझ में बने रहोगे और मेरे वचन तुम में बने रहोगे तो जो चाहो मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा। इब्रानियों 13:5 ये बड़ा अच्छा एक प्रॉमिस है जो मैं आपको दे रहा हूं। इब्रानियों 13:5 तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, हाँ, और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। प्रेज द लॉर्ड। अब हम ये अंतिम वचन याद रखते हैं कि मैं तुझे, प्रभु ने कहा, यीशु ने कहा है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। वचन क्या लिखा है? कि तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो। अगर आपका स्वभाव लोभ रहित होगा, अगर आपके पास संतोष होगा तो आपके पास यीशु होगा। किसी भी स्वभाव में आपका लोभ नहीं होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अपना सुख देखने से पहले आप दूसरे का सुख देखिए। कहीं मैं किसी अपना सुख लेने की वजह से सामने वाले को तो दुखी नहीं कर रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड। जिस दिन आपका स्वभाव लोभ रहित हुआ, जिस दिन आपके पास संतोष हुआ, सब्र हुआ, वो कह रहा है मैं ऐसे इंसान को कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, कभी। प्रेज द लॉर्ड। लोभ आपको प्रभु से दूर कर रहा है, असंतोष आपको प्रभु से दूर कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। मेरी बहन, मुझे यीशु मिल गया है, इससे बड़ा खजाना मेरे लिए और क्या होगा, इससे बड़ी दौलत और क्या होगी मेरे लिए। अगर आप उस दौलत को समझ लेंगे, अगर उस दौलत की कीमत को समझ लेंगे मेरी बहन, तो आपका मोह, आपका लोभ किसी चीज पर नहीं होगा, किसी चीज पर नहीं होगा। लाखों करोड़ों की चीज आपके लिए लोभ रही, आपके लिए कोई मीनिंग नहीं होगा, क्योंकि आपके पास यीशु है, आपके पास प्रभु है, आपको प्रभु के पास जाना है। प्रेज द लॉर्ड। आप चुने गए हैं यहां के लिए नहीं, क्योंकि इस जीवन के बाद पिता से मिलना है हमको। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आपका लोभ मोह अगर आपके परिवार की तरफ है, आपके बच्चों की तरफ है, आपके पैसे की तरफ है, आपके रिश्तों की तरफ है, आपकी सर्विस की तरफ है, करिए सर्विस, करिए, आपका रिश्ता होना चाहिए, बच्चे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपका लोभ, आपका मोह यीशु होना चाहिए, आपका प्यार यीशु होना चाहिए, यीशु के लिए तड़प आपके अंदर होनी चाहिए, मैं यीशु मसीह के क्या काम आऊं, ये कहने की जरूरत नहीं है। अगर आप में यीशु होगा तो आप यीशु के बिना जी नहीं सकते, और वो यीशु दिखना चाहिए आप में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो प्रभु, वो यीशु आप में दिखना चाहिए। इसलिए उसके जो जो प्रॉमिसेस हैं, उन प्रॉमिसेस को जब हम देखें, जब हम पढ़ें, तो उसमें कोशिश करें हम देखें कि इसमें चेतावनी कौन सी है, ये प्रॉमिस कब मेरा होगा, इस प्रॉमिस के योग्य मैं हूं। प्रेज द लॉर्ड। ये प्रॉमिस आपके जीवन में काम कर रहा है,
और नहीं कर रहा है तो क्या अड़चन है, कौन सी रुकावटें हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हमें निकालना है नहीं तो हम सुलेमान की तरह प्रभु से दूर हो जाएंगे। पतरस की तरह इनकार कर देंगे यीशु का। अगर हमें हमने अपने अपनी कमजोरी को नहीं समझा, अगर हमने नहीं जाना कि हम यीशु के बिना कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं यीशु मसीह के बिना, हर पल हर क्षण हर काम में हर रास्ते पर अगर कोई है मेरी अगुवाई के लिए तो वो है यीशु। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हम जब उसके प्रोमिसेस को पढ़ें तो हम उसको ध्यान से समझें कि इसमें जो चेतावनी है, मैं उस चेतावनी को पूरा करने के योग्य हूं, वो प्रॉमिस आपका है। वो प्रॉमिस आपका है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वचन को आज हमने समझा, आशीष पाया, यीशु हम में है, यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मुझ में जिंदा है। हमेशा ये याद रखिए मेरी बहन, परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा, आपको कभी नहीं त्यागेगा।